शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने मंगलवार को जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में कई शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रमोशन की फाइल लंबित पड़ी है, जिनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। हम सभी अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हैं, नहीं तो यह धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। धरने में मुख्य रूप से नितिन भाटिया, दिलीप राय, सुधीर कुमार सिंह, प्रभा सिंह, राजेश नारायण शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि समस्याओं के विषय में और अपनी सारी समस्याओं के निस्तारण के विषय में जिला विद्यालय मुख्य महोदय को सचेत किया। मैं अब अगली कड़ी में एक हमारे क्रांतिकारी साथी अपने विचारों को रखें, भाई देवेंद्र दाड़ी अध्यक्ष महोदय कर्मचारी भाई, आप लोगों का पहले मैं हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। महेंद्र प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षकता संघ गोरखपुर, आज माध्यमिक शिक्षकता संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के ही समस्याएं, पूरा जिला के पूरी समस्याएं हैं। तमाम कर्मचारी ऐसे पड़े हुए हैं जिनका प्रमोशन की फाइल पड़ी हुई है विगत कई महीनों से, वो निस्तारण नहीं हो पा रहा है। केवल मात्र जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के नाते यहाँ पर किस तरह से फाइल को लटकाया जाता है, ये आप लोग भी भलीभांति जानते हैं। समस्याएं हम लोगों की यही है, केवल प्रमोशन की फाइल, पदोन्नत की फाइल, पे स्केल की फाइल, यही इसी तरह की फाइल आती हैं जो उसको लीकर किया जाता है। हम लोगों का जो है मांग यही रहता है, हमेशा एक मांग हम लोगों की है शिक्षक पद पर पदोन्नत के लिए, चूँकि यहाँ इस चीज़ को नहीं रखा गया, चूँकि ये मैटर जो है जिला का ही है, जिले से ही निस्तारण होना है, यही मैटर है। जिस जो कि अब पढ़ करके हम बता दे रहे हैं, एक श्रीराम पांडे जी हैं जो कॉपरेटिव इंटर कॉलेज के सहायक लिपिक, प्रधान लिपिक पर इनका प्रमोशन होना है। ये 1.5 साल से फाइल पड़ी हुई है, जिला विद्यालय निरीक्षक के कान में जू भी नहीं जा रहा है कि ये इस फाइल को किसी तरह से निस्तारण किया जाए। अब इसमें बहाना लगाया जा रहा है कि प्रमोद बाबू का ट्रांसफ़र हो गया तो फलाने बाबू का ट्रांसफ़र, हम क्या जाने ट्रांसफ़र हो गया तो उसके जगह पर कोई चार्ज लिया है कि नहीं लिया है, तो चार्ज अगर लिया है तो उसका काम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कृपा शंकर जो वैदिक धर्म के परिचारक हैं, उसाह लिपिक पर उनका भी प्रमोशन है, वो भी बाधित है। यहाँ पर धर्मेंद्र तिवारी इंटर कॉलेज थरवई पार के सहायक लिपिक पर प्रमोशन होना है, ये भी बाधित है। संतोष, एक संतोष तिवारी जी हैं, उनकी भी फाइल लगी हुई है, वो भी बाधित है। एक शंकर प्रसाद भूमिधर इंटर कॉलेज के परिचारक हैं, उनकी द्वितीय SCP जबकि लगनी चाहिए, इसमें बहुत साधारण चीज़ है, महीनों से फाइल लटकी हुई है। क्या यहाँ क्या आपत्ति लग जा रही है, अब समस्या ये जिला विद्यालय निरीक्षक ही बताएंगे। श्री बिरजराज जी हैं भूमिधरी इंटर कॉलेज के, इसी विद्यालय के। एक राजेश नारायण शुक्ला जी जरा खड़ा हुई है आप, राजेश नारायण शुक्ला जी हैं नारायण इंटर कॉलेज के लिपिक हैं, यहीं से प्रमोशन 2 साल से जो है, 2 साल के पहले इनकी प्रमोशन हुई है। लेकिन ये सोचिए कि अब इन विद्यालय में बाबू केवल नाम मात्र के हैं, नाम मात्र के बाबू हैं कहे जाते हैं, लेकिन इनको चार्ज नहीं दिया जा रहा, जबकि इनको सूचना भी दी गई है, लिखित भी कई बार, यह ना कि 5-6 बार लिखित दिया गया भी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, इनको चार्ज नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। बेचारा आतुर है काम करने के लिए, और लोग जो है काम करने के लिए भगते हैं बेचारे आतुर, लेकिन फिर भी इनको काम नहीं मिल रहा। भोला राम एक हैं, श्री भोला जी हैं इंटर कॉलेज महावीर प्रसाद छपरा के हैं, इनकी जो दफ्तरी पद पर पदोन्नति है, दफ्तरी देखिए एक मैटर ये भी है, दफ्तरी पद के पदोन्नति के लिए ये कहते हैं शासनादेश ऐसा आ गया है कि वहाँ दफ्तरी पद को ही 2013 की जो जनशक्ति हुई है वो जनशक्ति के आधार पर जो है 2013 में ही समाप्त हो गई है। ये हमको 2013 वाली जाज्ञा जो दिखावे ना, कहाँ दफ्तरी की प्रमोशन समाप्त हो गई है, ये अकेले बैठ करके लोग जो है अपनी एक समिति बना करके उसको निर्णय ले रहे हैं, ये इस चीज़ को हम लोगों को भी जानकारी में इस अवगत नहीं है, ना जानकारी हो पाती है। दूसरा ये अनु कुमार मिश्र जी हैं, एक इनका भी जो है सहायक लिपिक पर पदोन्नत है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो प्रबंधक भी अपने चहेते को चाहते हैं कि इसी तरह से हम बाबू बना दें, वो परिचारक में किसी तरह से किसी विद्यालय में नियुक्ति करा देते हैं हेर फेर में कि किसी का जो है हम अपना प्रमोशन करा लेंगे, हम अपने यहाँ करा लेंगे, लेकिन तमाम ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि विद्यालय से ही
फाइल भी यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नहीं आ पाती है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिले के जो हमेशा हमेशा बाधित रहती है। यही हमको कहना है, आज इस धरने को अगर जो हमारी मांगे अगर जो आज नहीं पूरी होगी तो हम अपनी धरने को अनवरत बढ़ाते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री क्षेत्र साहब।